कैनियंस किसको कहते हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। कोलसाई के लिए जब एंट्री करते हैं तो वहाँ एक बैरिकेड आता है, वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना होता है, डिटेल डालनी होती है और साथ में थोड़ी सी छोटी सी फीस देनी होती है। तो अगर आप आ रहे हो तो अपना पासपोर्ट लाना मत भूलना, ना भी हो तो उसकी सॉफ्ट कॉपी हो। और जो प्रो टिप्स होगी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ भी कुछ टिकट लगा था तो वो हमें ही पे करना पड़ता है। हबीबी वेलकम टू कजाकिस्तान। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अलमाटी कजाकिस्तान। तो कैसे आप सब लोग, आज अपना अलमाटी में शायद है फोर्थ डे। हाँ यार, यहाँ के ना डेट्स और दिन याद नहीं रखते हैं, पर लोग एंजॉय करते जाते हैं। तो आज हम एक जा रहे हैं बहुत लंबे टूर पे भाई, बहुत ज़्यादा लंबा। ये लगा लो कि एक दिन में हमें नैनीताल अप डाउन करना है, उससे भी आगे, क्योंकि 300 किलोमीटर सिंगल वन वे ड्राइव रहेगी हमारी। और अभी ये नहीं पता गाड़ी कौन सी आ रही है, आ रही है सेडान, अच्छी लग्जरी कार बोली है, और वो आएगी, इसमें अपन बैठेंगे, अपना पैक होके बैठेंगे, क्योंकि हमें जाना काफ़ी ज़्यादा दूर, शेरिन कैनियन, ब्लैक कैनियंस और कोलसाई लेक। तो ये एक वन डे ट्रिप रहता है अप एंड डाउन का, वहाँ स्टे का नहीं होता। कैंडी लेक की साइड पर शायद स्टे का ऑप्शन होता है अभी, तो पता नहीं, लेकिन जो मोस्टली टूरिस्ट आते हैं वो वन डे ट्रिप ही प्रेफर करते हैं। तो हमने भी वैसे वन डे ट्रिप प्रेफर करा, ताकि सुबह अभी 8 बजे सवा आठ हुए हैं, 15 मिनट में हमारी गाड़ी आएगी, हम निकलेंगे घूम के, वापस हमें वो होटल पे ड्रॉप कर देंगे रात तक। कोशिश है कि 10 बजे तक हम वापस आ जाएंगे, अदरवाइज़ 12 भी बजते हैं, कभी 1 भी बज जाता है। तो अपनी कोशिश है टाइम से वापस आएंगे। और अभी चलते हैं शेरिन कैनियन, ब्लैक कैनियन, कोलसाई लेक, जिसकी इतनी ज़्यादा हाइप देखी है अभी तक इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, एक बार चल के तो देखेगी वो है क्या चीज़। और भाई वर्थ तो यही है कि ना, अभी मैक्सिमम 15-20 दिन और ओपन है, दिसंबर फर्स्ट वीक में बंद हो जाएगा शेरिन कैनियन, नहीं तो सेकंड वीक तो ऑलमोस्ट बंद हो जाते, क्योंकि उस टाइम पे स्नो इतनी ज़्यादा हो जाती है। स्नो से इनको कोई इशू नहीं होता, बट स्नोफॉल हुआ, फिर उसके बाद मेल्ट हुआ, फिर स्नोफॉल हुआ, मेल्ट हुआ, तो जब वहाँ पे रोड्स पे ब्लैक आइस हो जाती है, इसलिए वहाँ जाना बंद हो जाता है। और हैवी 300 किलोमीटर की जर्नी, तो अभी चलते हैं अपनी उस जर्नी पे और आपको रास्ते का नज़ारा दिखाता हूँ। मतलब जैसा मैंने वीडियोस में देखा ना, अगर वैसा हुआ तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। सो गाइस, ये है अपनी आज की राइड, बिल्कुल ब्रांड न्यू इलांट्रा, जिसमें हम जाएंगे कैनियंस और बाहर का नज़ारा। यहाँ पे एक रूल है, यहाँ पे जो पीछे की सीट्स होते हैं उनके ग्लास आप बिल्कुल फुली जेड ब्लैक टेंटेड कर सकते हो। तो मैं तो पीछे बैठा पसंद है। तो अपन अभी चल रहे हैं, पहली बार हॉर्न सुना मेरे को, पहले दूसरी बार, तो अभी मिलते हैं कैनियंस के लिए। सो गाइस, ऐसा है हमारा सफ़र, गाड़ी भाई 180-190 पे दौड़ती हुई आ रही है, और इतनी कंफर्टेबल कार, और बढ़िया मज़ा आया यार। और रास्ता देखो, मतलब भाई रोड्स इतने स्मूथ, अल्ट्रा नेक्स्ट लेवल स्मूथ है ना, क्या कहूँ। ये देखो मेरे पीछे का नज़ारा, वाओ। गाड़ी अभी गाइस 150 की स्पीड पे चल रही है, 151 हो चुकी है। तो अभी हम जा रहे हैं पहले कोलसाई और ब्लैक कैनियन की तरफ। आज हम काफ़ी टाइमली आए हुए हैं, क्योंकि भाई अभी 4 दिन पहले आया था इस ट्रिप पे, लेट आए थे, और जो उनकी गाड़ी थी उसकी स्पीड भी इतनी नहीं थी। हम अर्ली मॉर्निंग निकले 8:30 बजे और हमारी गाड़ी की स्पीड थी, ओ भाई साहब, ये देखो रोड बिल्कुल नीचे जाके। मतलब हम सुबह सिटी से निकले, 300 किलोमीटर ऐसे कवर हुए जैसे पता ही नहीं लगा, और हम तो सो रहे थे। साथ ही साथ जैसे यहाँ पहुँचे ना, तो थोड़ा थोड़ा मैं देख रहा था, फिर एकदम ऐसे ड्राई डेजर्ट्स दिखे ना, मैं एकदम खुल गया, मैंने कहा ना भाई यहाँ मिस नहीं करना कुछ। और अभी इतना सुंदर नज़ारा है ना, देखो ऐसे लग रहा है भाई लद्दाख आ गए हम, सीरियसली कह रहा हूँ। और जितने में हम इंडिया से लद्दाख हो के आते हैं ना, मैं जब गया था बाय फ्लाइट लद्दाख आना जाना किया था, उतने में तो शायद ये ट्रिप पूरा हो जाता। वाह 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 वाह,
जाके देखते हैं क्या है, कोल्सा है जो बहुत नाम सुना है। और शायरन अभी ब्लैक आएगा, वापसी में शायरन देखेंगे। और जो प्रो टिप्स होएगी वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि आपके लिए क्या बेस्ट है। सो गाइज, अभी ऐसी जगह आया जहाँ आ गया ना मज़ा आ गया। मैं बताता हूँ कौन सी जगह है। यहाँ से आप दिल्ली जा सकते हो, इंडिया शिंकेंट। और ये दिल्ली का किसने बोर्ड लगाया, साथ में होम लिखा और एरो ऐसे कर रखा है। अभी पता नहीं, शायद किसी ने गूगल से लिंक ले लिया, क्योंकि गूगल का जैसे कभी होता है ना पहाड़ों में आगे लेफ्ट राइट कर देती है, वैसे ही चल रहा है। एक कैंडी लेक करके है जहाँ पे आपको मतलब घोड़ों के साथ जाना पड़ता है, घोड़े पे, तो वो बहुत 3-4 घंटे लग जाते हैं एक तो। और भाई हो क्या, भाई कह रहे हम नहीं जाएंगे यार, टाइम वेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। कैनियंस किसको कहते हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी कैनियंस बोलते हैं जिन पहाड़ों को पानी ने काटा है, मतलब पानी की वजह से जो पहाड़ कटे रास्ता बना, तो उनको बोलते हैं कैनियंस। तो ये है ब्लैक कैनियंस, अभी दिखा रहा हूँ, 2 मिनट थोड़ा सफ़र करो, अच्छे से दिखाता हूँ आपको। पानी की आवाज़, पीसफुल भाई, मज़ा आ गया। गाइस, इसको बोलते हैं कैनियंस। ये है ब्लैक कैनियंस। ये पानी कभी किसी टाइम पे इतना ऊपर तक होता था कि जिसकी वजह से ये रास्ता बन गया, आज ये नीचे है, क्योंकि वो उधर सारे ग्लेशियर्स हैं, वहाँ से पानी निकल रहा है। कैसी लगी जगह? गाइस, चक्कर मत खा जाना, मेरे को तो थोड़े बहुत आ रहे, मैं तो इस लाइन से आगे नहीं जा रहा, बट मैं आपको दिखाता हूँ अभी नज़ारा। ये देखो, इधर ग्रिप लाइन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, अपने लिए ये सेफ जगह, यहाँ से नज़ारा देखेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और किस किस को अलमाटी आने का मन है वो भी बताओ। मैं, अगर आप अलमाटी का प्लान करो ना, आपकी बहुत हेल्प कर दूंगा, बहुत ज़्यादा, आपने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ की प्रो टिप है कि पहले यहाँ आओ ताकि नज़ारा देख सको, क्योंकि शाम को एक्सट्रीम लेवल ठंड हो जाती है और अंधेरा हो जाता है, कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। सो आई सजेस्ट यू कि सबसे पहले यहाँ पे आओ, ब्लैक कैनियंस। और थोड़ा डेयरिंग हो तो इधर से नीचे उतर के आगे तक जा सकते हो, पर अपन है नहीं, समय बहुत ख़राब चल रहा है, इसीलिए नो पंगा। जैसे मतलब मैं सीधा सा रिजम्बल बताता हूँ आपको, ऋषिकेश में राफ्टिंग करने जाते हैं ना, आवाज़ आती है ना, लेकिन वहाँ साथ साथ आवाज़ आती है टैं टैं पैं पैं वो, वो सब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांत। गाइस, ये आज की हमारी ड्राइव भागती है, क्या भागती है भाई ये। हम सो रहे थे जब बीच बीच में आँख खुलती थी, तो आपके लिए एक आधी क्लिप भी बनाई थी। गाड़ी वाज अराउंड 191-189 और हम लोग कंफर्टेबली सो रहे हैं भाई। मतलब एक तो गाड़ी अच्छी है, ऊपर से यहाँ के रोड्स, रोड्स को तो यार सलाम, मस्त बिंदास। सो इट्स टाइम टू गो टू कोलसाई। कोलसाई, ओके कोलसाई, चलते लेट्स गो टू कोलसाई। दूर दूर तक का नज़ारा देखो गाइस, दूर दूर तक का नज़ारा कितना ही सुंदर है, मस्त। और वो ग्लेशियर वाले पहाड़, हमारा जैसे हम कहीं जाते हैं ना पहाड़ों में, कहीं दिखते हैं तो कहीं हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज है, ये यहाँ की हिमालयन रेंज है, लोकल कजाक। गाइज, बाहर आए हो, सारे एक्सपीरियंस हो गए, ऑल थैंक्स टू हिम। इन्होंने एक और एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में ऐड कर दिया, वो है लेफ्ट साइड ड्राइविंग का। तो पहाड़ों में सोनाटा जैसी लग्जरी कार चलाएंगे लेफ्ट साइड ड्राइविंग के साथ, मज़ा आ जाएगा।
मेरे सामने, आंखों के बिल्कुल सामने हिमालय की रेंज यही जाती है कोलसाई की तरफ। भाई साहब आई एम सुपर एक्साइटेड कि कैसा होगा। ब्लैक कैनियंस का नज़ारा तो यार काफ़ी शानदार था, देखने लायक था। कुछ रील्स वगैरह भी है तो जाके फटाफट इंस्टाग्राम पे देखना, वहाँ डाल दूंगा मैं। और अभी जो नज़ारा मेरी आंखों के सामने है ना, मतलब मैं आपको दिखा सकता हूँ बट अगर आप यहाँ आओगे ना, जो आप फील करोगे ना वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है गाइस। देखो मतलब, तो जितेंद्र भाई जो है अपने साथ, ये अब से लगभग 5 दिन पहले इसी ट्रिप पे आए थे। सेम जिस दिन मैंने आना था उसी दिन होके आए, एक दिन पहले होके आए थे। तब बता रहे कुछ भी नहीं था, क्लियर था। और अभी आप देख लो कितनी स्नो, मतलब लगभग ये 4-5 दिन में यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है और बिल्कुल फ्रेश स्नोफॉल है, मतलब कि अभी तक पूरा कवर्ड है। वाओ। तो भाई अभी पहुँचे हैं कोलसाई लेक के पास है, कहीं विलेज में है। पहले पेट पूजा फिर काम दे दो, तो पहले ब्रेकफास्ट उसके बाद देखते हैं आगे कोलसाई को। काफ़ी बढ़िया बर्गर फ्राइज खाए हमने यहाँ पे यार, मज़ा आ गया। और अब चल रहे कोलसाई की तरफ, और कोलसाई लेट्स सी कैसा है। एक कैंडी लेक हो रहा है वहाँ, तो नहीं जाएंगे हम जा रहे हैं कोलसाई की तरफ। कोलसाई के लिए जब एंट्री करते हैं तो वहाँ एक बैरिकेड आता है, वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना होता है, डिटेल डालनी होती है और साथ में थोड़ी सी छोटी सी फीस देनी होती है। तो अगर आप आ रहे हो तो अपना पासपोर्ट लाना मत भूलना, ना भी हो तो उसकी सॉफ्ट कॉपी हो, मतलब कि जिस पे आपका पासपोर्ट नंबर हो आप उनको शो कर सको अगर वो मांगे तो। जैसे हम 2 जने हैं तो मैंने अपना पासपोर्ट लेके अपनी एंट्री कर दी तो चल गया। और ये वो लास्ट पॉइंट है जहाँ पर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो कोलसाई लेक। पूरा नज़ारा लो वादियों का। सीरियसली पता कैसा लग रहा है, जब हम गाड़ी में थे ये वाले पाइन ट्री होते हैं ना, पाइन बोलते होंगे शायद, तो जब ये ट्रीज दिखने शुरू हुए ना तब ऐसा फील आ गया कि यार कश्मीर आ गए। बहुत खुशी हुई, मतलब जब दिखा ना कि हाँ हमारे इंडिया में नहीं बाहर भी ऐसा कुछ है सेम सा। नज़ारा काफ़ी सुंदर है गाइस, मौसम बहुत अच्छा है। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश की ऐसा लग रहा है, बारिश हो रही है और जिस हिसाब का मौसम है आई गेस स्नोफॉल हो जाए 15-20 मिनट में, और अगर होगी तो यार मज़ा ही आ जाएगा। गाइस ऊपर से लेके नीचे कोलसाई लेक कुछ 500-700 मीटर का है, उतरने में तो मज़ा आया और व्यू भी देख रहे हैं अच्छा लग रहा है। ये नैनीताल लग रहा है व्यू देख के, मतलब कोलसाई लेक देख के लग रहा है नैनीताल है, ये पहाड़ देख के लग रहा है, पेड़ देख के लग रहा है कश्मीर है, मतलब मिक्सचर है भाई। भाई हवा फुल तेज है, मैं अभी तक सिर्फ शर्ट में था, नीचे की किनर है, लेकिन यहाँ आके मेरे को पता लगा कि भाई ठंड है। सो गाइस यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर ये आपकी बढ़िया वीडियो बना देंगे, साथ में कोलसाई लेक का व्यू आएगा। और प्राइस हम मात्र 4,000 टेंगे, कुछ भी नहीं है, 700-800 रुपये लगते हैं। तो बनवाओ, अच्छी मेमोरेबल मतलब वीडियो रहेगी आपके लिए। अपन ने तो बनवाई है, तो देखनी हो तो फटाफट चाहिए इंस्टाग्राम पर जाके देख लो, मस्त वीडियो आएगी। और ये कोलसाई लेक का व्यू, और थोड़ा सा अगर मौसम ने साथ दिया तो, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है अभी, हवा बहुत तेज़ है। और यहाँ से जाओ बोल तो भी ट्रैक करते हुए नीचे जाओ सीढ़ियों से, और वहाँ जाके मतलब पूरा घूमने का है इसको, पर अभी मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा, तो इसलिए मौसम इससे रिस्क नहीं तबीयत से। अभी तो भाई ठंड है, लेकिन ये स्टेज के ऑप्शन है यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, और ये अभी ओपन है। लेकिन एक्सट्रीम विंटर में मोस्टली चीज़ें यहाँ पे बंद हो जाती है, फिर भी एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ होता है। और हाँ फास्ट फूड बंद करो भाई, मोमोज बंद कराओ पहले। तो ये है भाई अपने जीतू भाई, अलमाटी आना हो तो भाई का नंबर डाल दूंगा, भाई से कॉन्टेक्ट करना। जो सर्विस चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, क्लब जाना है, अच्छा अपार्टमेंट होटल रूम जो चाहिए सब प्रोवाइड कराएंगे। वहाँ तो बोलते जनता को, हाँ बिल्कुल, तेरे को लेके नहीं जा रहा क्या? डन विद द कोलसाई लेक। ठंड है यहाँ पे, अब चलते हैं शेरिन कैनियन। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग चल रही है हमारी, क्योंकि भाई जब गए थे ना अभी 1 वीक पहले तो ये लेट हो चुके थे, इनको इतना एक्सप्लोर करने को नहीं मिला था। कोलसाई आए रात को, देखने को नहीं मिला नज़ारा, हमारी रील्स देखना भाई दिल खुश हो जाएगा। और अब नेक्स्ट लोकेशन शेरिन कैनियन, वहाँ चलते हैं, वहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। सी यू भाई। बाहर थी ठंड, गाड़ी में बैठते आ गई नींद, तो पता ही नहीं लगा कब हम पहुंच गए शेरिन कैनियन। और यहाँ से 10 किलोमीटर का सफ़र रहेगा हमारा शेरिन कैनियन का। बारिश थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है, अगर बारिश रुक जाए तो सफ़र बहुत अच्छा हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। चलते हैं और आगे आपको शेरिन कैनियन का नज़ारा दिखाता हूँ। सबसे अच्छी बात बताऊँगा
इस ट्रिप पे ना कुछ भी है, मतलब जैसे शेयरिंग जहाँ भी जा रहे हैं, सबसे अच्छा मेरे को पता क्या लग रहा है, ये गाड़ी है भाई। बैठते ही ना नींद आ जाती है, बाहर ठंड होती है, अंदर आते हैं जैसे टेम्परेचर मेंटेन होता है, और बैठते नींद आती है और बिल्कुल मतलब पता नहीं लगता कि भाग रही है। अभी भी गाड़ी 124 की स्पीड पे है, अभी भी 124 की चल ही नहीं रही। सो गाइस, पहुंच के हम लोग शेरिन कैनियन, मतलब जिस टूर का, मतलब जिस इस टूर पे सबसे ज़्यादा वेट इस शेरिन कैनियन का हो रहा था, क्योंकि काफ़ी नाम सुने और फोटोज़ काफ़ी अच्छी आती है। जगह सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल भाई बता रहा है कि बहुत अच्छी जगह है ये, मतलब इस पे तो टाइम से आना, अच्छा टाइम यहीं स्पेंड करेंगे। तो यहाँ भी कुछ टिकट लगा था तो वो हमें ही पे करना पड़ता है, चाहे कोई मतलब जो टूरिस्ट होता है उसी की तरफ से होते हैं, कितने लोग होते हैं उसके हिसाब से। तो अभी चलते हैं यहाँ से एक्सप्लोर करने के लिए आगे की तरफ। सो गाइस, ये है नज़ारा कैनियन का, शेरिन कैनियन, काफ़ी अच्छी जगह है, देख सकते हो व्यू कितना अच्छा है। पता है क्या है, सिर्फ व्यू के पैसे हैं, इस व्यू को देखने के लिए इतना ट्रैवल करके आते हैं, इस जगह को देखने के लिए कैनियंस कैसे हैं और उसके अंदर ट्रैवल करना, उसके अंदर फोटोज़ वीडियोज़ कैसा रहेगा, उसी सब के लिए आप लोग आते हैं। कैनियन का क्या होता है मैं दोबारा बता देता हूँ, कैनियन वो जगह होती है जहाँ से पानी निकलता है पहाड़ों के बीच से, तो वो डिवाइड कर देता है दोनों पहाड़ों को, तो पानी अपना रास्ता बना लेता है। आज के टाइम पे इतना ऊपर तक पानी नहीं आता, देखोगे तो काफ़ी गहरा है ये, और काफ़ी टूरिस्ट आते हैं ये यहाँ पे, ये ट्रिप मतलब ज़रूर करते हैं लोग ट्रिप, इस ट्रिप को तो ज़रूर करते हैं। और अभी चलता हूँ आपको लेके नीचे यहाँ से, और फिर आगे शेरिन कैनियन की तरफ चलते हैं, और मतलब डीप में दिखाता हूँ, जैसे आपको ब्लैक कैनियन दिखाए थे उससे काफ़ी सुंदर है ये ब्लैक कैनियन से। और यहाँ पे क्या है, ब्लैक कैनियन में तो आप जा नहीं सकते थे नीचे, इधर आप टैक्सी करके, गाड़ी करके थोड़ा अंदर तक जा सकते हो। तो चलते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको सी। वाह, कॉफ़ी डोनट्स की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे, सुपर अमेजिंग। ये रहा कॉफ़ी हाउस। प्लीज़ डू नो टच, और आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। नाइस, चलो भैया कैनियन कैनियन आ जाओ, 100-200 कैनियन लेके आते हैं, देख के आते हैं 100-200। चल 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 चलो चलो चलो, 1 किलोमीटर का ये। सो यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, और ये गाड़ी का रास्ता होगा शायद। हाँ। और ये ऑफ रोडिंग, ये ऑफ रोडिंग का है क्या? ये वाला गाड़ी का रास्ता है। अच्छा, पूरा अंदर से घुमाएंगे। बट अभी तो कोई फायदा नहीं होगा ना ये जो, हाँ आज अब फायदा नहीं होगा। ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ से आप देख सकते हो, दूरबीन वगैरह लगा रखे हैं इन लोगों ने, और कहाँ कहाँ पे डस्टबिन है, कहाँ पर क्या है, इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। लास्ट ईयर यहाँ का होता है 1.5 किलोमीटर, चलें 1.5 किलोमीटर जा सकते हैं ना, अब तो कहीं दिन से मोमोज भी नहीं खाए हमने, जाएंगे भाई इसकी जिद्दी गए, नीचे चल के देखते हैं। चलो, अभी तो पैदल उतरना भी है, हैं अभी तो सीढ़ियाँ उतरनी है पैदल, बहुत सारी सीढ़ियाँ आएगी। हाँ कोई बात, आओ इधर से चलते हैं कोने कोने से, देखते देखते फील करते करते। ओ हो 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 हो, व्यू देखो जनता, तुम्हारे लिए जनता, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही जनता। फटाफट से इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट करो, जाके देखो रील्स मस्त मस्त, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। हाय गाइस, चैनल टू माय वेलकम, लाइक टू माय सब्सक्राइब। राम जी थोड़ा साथ और दे देते हैं, थोड़ी धूप निकल आती तो मज़ा ना आ जाता, नज़ारा आ जाता है। अगर धूप निकल जाती तो बहुत मज़ा आता, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब अपने फ्रेंड्स को लेकर के आया था तो उस दिन धूप थी, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। आज अभी रहनी चाहिए थी। एक मिनट रुकना, राम जी देख रहे हो, या तो बर्फ़ गिरवा दो या धूप निकलवा दो। देखो उधर देखा ना, दिखाओ। हाँ ये देखो, थोड़ी सी धूप आ रही है, करवा दो राम जी कुछ, घाट पर देख लो, कल मंगलवार है। अरे व्यू देखो कितना सुंदर व्यू है, एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स नहीं है इसको यार। वो आगे तक टूरिस्ट गए, हम भी जाएंगे सारे, बट थोड़ा बहुत बारिश शुरू हो गई है तो उसको भी ध्यान में रखना है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। तो जैसे आप जानते हो ये वन ऑफ द मेजर ट्रिप्स में से है, अगर आप अलमाटी घूमने आ रहे हो कैनियंस का। और इस ट्रिप का ना एक ये बात है कि ना, इस ट्रिप को हर कोई बंदा अलग प्राइस में बेचेगा, है ना। हाँ।
तो जैसे कोई आपको ये हाफ प्राइस में भी देगा, वन फोर्थ प्राइस में भी देगा, कोई डबल भी ले सकता है, तो उसका वन फोर्थ अगर कोई देगा, इतना सस्ता देगा, तो उसका रीज़न ये है कि वो आपको कोच में डालेगा, स्प्रिंटर में डालेगा, जहाँ पे स्प्रिंटर में 15 से 18 लोग आते हैं। अब आप 18 लोगों के साथ आ रहे हो, कभी कोई रुक रहा है सुसु के लिए, कभी कोई रुक रहा है, कभी कुछ कर रहा है, फिर स्प्रिंटर की स्पीड और गाड़ी की स्पीड में बहुत फ़र्क होता है। जैसे अभी हम लोग आए हैं तो मेरे ख्याल से पूरा हमने दोनों तीनों ट्रिप कर लिए और अभी 4 बज रहे हैं, 7 बजे तक हम वापस भी पहुँच जाएंगे। और जो आप पहले उस दिन इतने सारे लोगों को स्प्रिंटर में लेके आए थे, कितने बजे पहुंचे थे? रात को 12 बजे पहुंचे थे। और गाइस ये कहे थे 80-90 की स्पीड पे, हमारी गाड़ी चल रही 180-90 कंफर्ट लेवल, तो बस 5 घंटे का फर्क आ गया ना। यही गेम है भाई, मतलब आपको कैसा चाहिए अपने हिसाब से। हम सोनाटा लेके आए, आपको मर्सिडीज चाहिए वो भी मिलेगी, रेंज रोवर भी मिलेगी, आपको अल्फार्ड चाहिए अल्फार्ड भी मिलेगी, मतलब दैट्स अप टू यू कितना पैसा खर्चोगे ट्रिप पे। हर ट्रिप पे ना मतलब जितना गुड़ उतना मीठा, उस वही कहानी है बस, सर्विसेज का है। और ऐसा नहीं है कि अगर हम सर्विस अच्छी दे रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा, कंपेयर कर सकते हो आप प्राइसेस को, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ये है कि हाँ, एक स्प्रिंटर 2004 मॉडल और एक सोनाटा 2023 मॉडल में तो आप फील कर सकते हो कि आपको क्या। आपने वीडियो में देखा क्या स्टार्टिंग में कितना रिलैक्स होकर आए हैं हम। नज़ारा देखो गाइस, यही सब देखने आए हम। यहाँ कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, स्काई स्क्रैपर्स नहीं है, लिफ्ट नहीं लगी हुई, कोई आलीशान बंगले नहीं है, यहाँ पे बस ये है, इसको देखने के लिए आए हम। भैया नज़ारा भाई, लोग नीचे तक जा रहे हैं और बढ़िया टूरिस्ट आया हुआ है इस टाइम पे, अभी दिसंबर फर्स्ट वीक में अच्छा टूरिस्ट आया हुआ है, देख सकते हो आप। यही अगर सूरज निकला होता ना तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर माहौल होता और बहुत अच्छी और ज़्यादा फोटोज़ वीडियोज आती, थोड़ी देर और खड़ा हो जाता, लेकिन अभी हाथ फ्रीज हो रहे हैं तो अपन को बीमार नहीं होना, ऐसा ना हो अभी सब पूछे कहाँ है कहाँ है, हम पूछे बाहर है घर जाके फ़ोन आए कहाँ है, हम कहीं बीमार अभी हो, तो अपने को वो काम नहीं करना। अभी चलते हैं वापस गाड़ी की तरफ, उस साइड पर कॉफ़ी शॉप है, सही होता ना पूरे लद्दाख की याद दिला दी, मतलब इस ट्रिप ने लद्दाख, नैनीताल, स्पीति, कश्मीर, इस वन डे ट्रिप में मैंने सब देखे भाई, क्योंकि इन सब जगहों में मैं गया हूँ, और यहाँ दोबारा से मैं सकता हूँ कि हाँ वहीं सब घूम रहा हूँ। आपको शायद हवा की आवाज़ आ रही होगी कितनी तेज़ है। सो गाइस, टाइम टू से गुड बाय टू दिस प्लेस, और अब चल रहे हैं अपन सीधा अपने रूम पे। अब गाड़ी में थोड़ा चिल करते हैं, रास्ते में कहीं रुक के विल हैव मील और मिलते हैं घर पे। प्रोटीप बता दूँ फटाफट या घर जाके? चलो घर जाके बताता हूँ प्रोटीप आपको। अभी हम वापसी के रास्ते हैं और मौसम देख रहे हो कितना सेक्सी हो रहा है ना। अभी थोड़ा सा कैश विड्रॉ करा है एटीएम से, क्योंकि भैया को देने थे, तो अभी चलते हैं घर पे, प्रोटीप की बात करेंगे।